तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के बाद अब हम लोग इसमें समझने वाले हैं। और जो क्लासिफिकेशन हम लोग समझे थे वो एनर्जी बैंड के बेसिस पर था। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, होल्स। ठीक है, होल्स क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में या सेमीकंडक्टर के टॉपिक में हम लोग प्रोटोन यूज नहीं करने वाले, हम लोग होल्स यूज करने वाले। तो होल्स का कंसेप्ट क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ होल्स, कंसेप्ट ऑफ होल्स, होल्स क्या है देखिए। जैसे कि कल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे सिलिकॉन का, तो ये प्रोटॉन है यहां पर न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल, ये के एल और एम। ठीक है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन जो था उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन था कि इस चारों के पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बावजूद इस पोजीशन पर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। और चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है इस वजह से इसके पास वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर होल वाला कंसेप्ट क्या है देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कल बताए थे कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए तो ये घूमते घूमते क्या होगा, इस जगह से को छोड़कर निकल जाएगा। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये गोल गोल घूमकर इस जगह से जब ये निकलकर यहां पहुंच गया, तो अब इस पोजीशन के पास यहां पर जो जगह जो कि ये भरा हुआ था, अब ये जगह क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब ये जगह क्या हो गया, वैकेंट हो गया, मतलब यहां पर अब क्या है, एक वैकेंसी है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो कि घूम रहा था, और चूंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसके वजह से ये उस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये अपने पोजीशन को छोड़कर चला गया। अब जैसे ही ये पोजीशन को छोड़कर चला जाएगा, तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब इस वैकेंसी के पास टेंडेंसी क्या है, इस वैकेंसी के पास टेंडेंसी क्या है, कि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, तो ये एटम चाहेगा कि हम फिर से इस जगह पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़कर बैठा दें। तो ये जो जगह क्रिएट हुआ है, इस वैकेंसी का नाम हम लोग क्या रख दिए, होल। ठीक है, इस वैकेंसी का नाम क्या रख दिए हम, होल रख दिए। और जब हम इसका नाम होल रख दिए, तो इस होल का टेंडेंसी क्या है, तो टेंडेंसी ये है कि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इस वजह से कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिलेगा, ये क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और यहां लाकर बैठा देगा। तो पकड़कर कैसे लाकर बैठा लेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या चाहता है कि फिर से इलेक्ट्रॉन बैठे। तो इसका मतलब कि ये जो होल है ये अट्रैक्ट करेगा, होल जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पहले इलेक्ट्रॉन ही था, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आए और यहां पर बैठ जाए। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट प्रोटोन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट प्रोटोन करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इस होल का टेंडेंसी क्या है, होल की टेंडेंसी क्या है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होल क्रिएट कैसे हुआ, फिर से देखिए, यहां पर एक चार इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भर गई जिसके वजह से वो जगह छोड़कर चला गया। अब ये जगह पहले भरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये जगह खाली है। अब ये जगह खाली है, तो इस जगह को फिर से भरना है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इस जगह को इलेक्ट्रॉन से भरना है, तो जैसे ही ये जगह खाली हो गया, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, होल। और चूंकि इस जगह पे सिर्फ कौन बैठेगा, इलेक्ट्रॉन ही बैठेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है प्रोटोन। लेकिन यहां पर कोई प्रोटोन तो नहीं है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आएगा, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन यहां पर कोई प्रोटॉन है नहीं, एक्चुअली में यहां पर कोई प्रोटॉन नहीं रखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे। लेकिन
प्रोटोन वाली बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से इसका नाम हम प्रोटोन नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर कोई प्रोटोन नहीं, लेकिन प्रोटोन वाली टेंडेंसी है, इस वजह से इसका नाम हम क्या रख दिए, होल, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में मालूम चले कि प्रोटोन वहां यूज करेंगे जहां पर एक्चुअल प्रोटोन हो और होल वहां यूज करेंगे जहां पर प्रोटोन नहीं हो लेकिन प्रोटोन वाली टेंडेंसी हो। तो एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ेगा तो जिस जगह को छोड़ेगा उस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं होल को, कि इट इज ए वैकेंसी विच हैज टेंडेंसी, इट इज ए वैकेंसी विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक प्रोटोन बट एक्चुअली इट इज नॉट प्रोटोन। एक्चुअल में ये प्रोटोन नहीं है लेकिन बिहेव करेगा किसके जैसा, प्रोटोन के जैसा। इस वजह से इसका नाम हम लोग क्या रखे, होल। और होल कहां क्रिएट होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा उस जगह पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो होल कैसे मूव करेगा, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ होल, होल कैसे मूव करता है, मोशन ऑफ होल। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर लेते हैं कि यहां पर निगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव है। अब होल कैसे मूव करता है ये हम लोगों को समझना है कि मोशन ऑफ होल कैसा है, ये किस तरह से मूव करता है। तो जैसे यहां पर पॉजिटिव है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें का जंप किया, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां प्लस है और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ेगा, यहां से जंप करके इधर आएगा, तो इस वाले जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल। होल किसको कह रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़े, जैसे ही छोड़ेगा उसी जगह पर होल क्रिएट होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन मूव करके जंप करके इधर आ गया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसी एटम में क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को कौन भरेगा, तो इस होल, अब होल के बारे में क्या बताया आपको कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, क्या करता है अब ये होल, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने में जंप करा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां कर भर दिया, अब ये होल कहां पहुंच गया, सेकेंड एटम में पहुंच गया। अब फिर ये होल अपने नियर वाले इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर ले लेगा, तो ये होल अब कहां क्रिएट हो गया, यहां क्रिएट हो गया। अब फिर ये क्या करेगा, अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉन में से जंप करा देगा, तो ये होल यहां क्रिएट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा, तो ये होल यहां। तो देखिए इनिशियली होल नहीं था लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप किया होल क्रिएट हुआ और ये होल शिफ्ट होता चला गया। ठीक है, ये होल क्या होता चला गया, शिफ्ट होता चला गया। तो इस तरह से होल मूव करता है, मतलब एक में नहीं था उसमें से जंप करके इधर गया, फिर इधर जो वैकेंसी उसको अगला भरेगा, फिर यही होल उसमें चला गया, फिर अगला भरेगा, फिर यही होल उसमें चला गया। तो इस तरह से ट्रांसफर होता चला जाता है। तो होल एक्चुअली में है क्या ये समझ गए हम लोग, और मोशन ऑफ होल कैसे होगा ये हम लोग समझ गए, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम लोग प्रोटोन वर्ड यूज नहीं करने वाले। प्रोटोन के जैसा बिहेवियर वाला एक टर्म है, एक लोकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। तो इस पूरे सेमीकंडक्टर में हम लोग चार्ज पार्टिकल दो ही लेंगे। ठीक है, पूरे सेमीकंडक्टर में चार्ज पार्टिकल कितना होगा, चार्ज पार्टिकल दो होगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहिए या फिर चार्ज कैरियर कहिए, चार्ज कैरियर दो ही होगा। कौन कौन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन होगा, होल। पूरे सेमीकंडक्टर में हम लोग यही समझेंगे, प्रोटोन वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्रोटोन नहीं होता है
क्या होता है होल, होल कैसे क्रिएट हुआ ये समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा होता है इम्प्योर जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर पर ज्यादा चर्चा नहीं है, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर पर ज्यादा चर्चा इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका कुछ, इसके कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर है क्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का एक एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एनर्जी बैंड ग्राफ क्या है, देखिए नीचे वाले बैंड को हम लोग ये वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। इस वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास एनर्जी इतनी ही है कि वो वैलेंसी तैयार करे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गुच्छा भरा हुआ है पूरा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। इसके बाद यहां पर कौन है, तो यहां पर ऊपर वाला जो बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो और ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप भी बोलते हैं। एनर्जी गैप इसकी कितनी होगी, तो वो हो लेस देन होगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब हम एट 0 केल्विन, जब हम 0 केल्विन पर इस एनर्जी बैंड को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 0 केल्विन पर इसके पास वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड जो है वो कैसा है, एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी। और कोई भी कंडक्टर का काम तभी करेगा, अपने से इलेक्ट्रिक करंट तभी पास कराएगा जब उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कोई इसके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कब, जब ये 0 केल्विन पर। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तब क्या होगा, देखिए ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी से ये क्या करना चाहेगा, इसको जंप करना चाहेगा, ठीक है, इसको क्या करना चाहेगा, जंप करना चाहेगा। अब एक चीज थोड़ा समझना है यहां पर, कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को देंगे 2 वोल्ट या मान लीजिए देते हैं 1 वोल्ट, तो इस ये इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट अपने पास लेगा तो ये देखेगा कि हमको जंप करना है यहां से यहां, और जंप करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जंप करेगा, कितना पर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जंप कर जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कितना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए। अब जैसे ही हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये देखता क्या है कि हमको यहां से यहां जंप करने में चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मिला क्या इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या करेगा कि इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेरा काम नहीं होने वाला है, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसको एनर्जी मिली है वो ये दूसरे को दे देता है, दानी बन जाता है कि आप ले लीजिए, तो ये दूसरे को दे देता है।
लेकिन जैसे ही हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा और जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चीज समझ गया कि इलेक्ट्रॉन देगा भी बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। कब? जब देखेगा कि उससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर फायदा होने वाला है तो लेकर वो क्या कर देगा? जंप कर देगा। अब देखिए, 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड, जरा कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये अभी इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और ये सारा इलेक्ट्रॉन जंप करने के मोड में आ जाएगा। जैसे ही ये जंप करेगा, मान लेते हैं यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया। और अभी जस्ट मैंने बताया कि जब वो अपनी जगह को छोड़ेगा उसी जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो यहां एक होल क्रिएट हुआ। फिर मान लीजिए और एनर्जी दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहां पहुंच गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जब जंप करके पहुंचा तो यहां पर क्या पैदा हो गया? होल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे, जहां पर इनिशियली वो थे वहां पर होल क्रिएट होता चला जाएगा। अब देखिए, अब टेम्परेचर हम बढ़ाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इस 2 कंडक्शन बैंड में आ गए, मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर करंट डिपेंड करता है। अभी करंट कम होगी, जब और इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे तो करंट ज्यादा होगी। क्योंकि चैप्टर 3 में, पार्ट 1 के चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट I इज इक्वल टू होता है NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। तो इसमें N क्या है? N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के हिसाब से करंट पास होगी। फिर उसके बाद जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, उतना ज्यादा करंट उसमें फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज देखिए कि 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ये बनाना शुरू कर दे रहा है। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये हमारे काम का नहीं है, इस वजह से कि अगर मान लीजिए कि इस सेमीकंडक्टर को लेकर अगर हम एक कैलकुलेटर तैयार करते हैं, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर को लेकर एक कैलकुलेटर तैयार किए और रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, नॉर्मल मार्च का महीना है और रूम टेम्परेचर है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस है। हम कैलकुलेटर बनाए, कौन सा सेमीकंडक्टर लेकर? प्योर सेमीकंडक्टर लेकर। अब हम देखते हैं कि 2+2 जोड़े तो हमें 4 मिला, ये कैलकुलेटर है, जब टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। अब जून का महीना आ गया, तो जैसे ही जून का महीना आएगा ये रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मान लेते हैं कि ये हो गया है 32 डिग्री या 35 डिग्री। ठीक है, रूम टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री। अब हम 2+2 उसी कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं तो 2+2 दिखा रहा है आपको 6। अब मान लीजिए हम दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में, है ना, जनवरी के महीने में हम निकाले और देखे कि वहां पर कितना दिखा रहा है, तो उस वक्त मान लेते हैं टेम्परेचर कितनी है? 7 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस है, देखें 2+2 कितना देता है, तो दे रहा है 1। तो अब देखिए यहां पर हम हर बार एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेटर है वो रिजल्ट हमें अलग अलग दे रहा है। क्यों रिजल्ट अलग अलग दे रहा है? क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, हम पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब इंट्रिंसिक, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर से अगर हम कोई डिवाइस बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगी उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको कौन कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर। क्योंकि अभी हमने देखा कि 0 केल्विन पर ये इसके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। तो टेम्परेचर जैसे ही, गर्मी जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट आपको फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो ये इसका डिमेरिट है, लिमिटेशन है कि सेमीकंडक्टर में और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा उतना ही होल्स क्रिएट होगा, मतलब कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स, और इस इलेक्ट्रॉन और होल्स को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर, क्योंकि इस पूरे सेमीकंडक्टर में यही दो मिलकर करंट फ्लो कराने वाला है, इस वजह से इस दोनों को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक कैरियर, और ये दोनों बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ होल्स, कोई ना ज्यादा ना कम, इस वजह से इसमें इससे जो करंट फ्लो होगी वो फ्लक्चुएट होती नजर आएगी, और इसके करंट को कौन सपोर्ट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा इसके करंट को, तो टेम्परेचर, इस वजह से इसके साथ प्रॉब्लम है, तो प्योर काम नहीं कर दे रहा है ठीक से, तो हम लोग क्या करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं, क्योंकि जब प्योर काम ना दे तो इम्प्योर, अब इम्प्योरिटी या इम्प्योर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डोपिंग, ठीक है, इम्प्योर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे डोपिंग करेंगे, तो डोपिंग क्या होता है, ठीक है, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर समझ गए क्या होता है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जीरो केल्विन पर ये इंसुलेटर है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होता चला जाएगा, कंडक्टर बनता चला जाएगा, ठीक है, अब हम प्योर से क्या करना चाह रहे हैं, इसको इम्प्योर बनाना चाह रहे हैं, तो इम्प्योर बनाने में क्या होगा कि हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसेस का नाम, और उस प्रोसेस में क्या होगा, तो हम इस प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, मतलब इसको हम इम्प्योर बनाएंगे, और इम्प्योर बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, तो डोपिंग का अगर हम डेफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इनटू इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग क्या है बात समझ गए, प्रोसेस का नाम, ठीक है, प्रोसेस जिसमें हम लोग प्योर से इम्प्योर बनाएंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं डोपिंग, और जो इम्प्यूरिटी मिलाएंगे उस इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं डोपेंट्स, डोपेंट्स, उस इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्यूरिटी का नाम क्या है डोपेंट्स, ठीक है, डोपेंट दो टाइप का होगा, ठीक है, डोपेंट दो टाइप का होगा, एक होगा हमारा ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एलिमेंट, और एक होगा पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट, तो डोपिंग क्या है ये समझ गए, डोपिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्योर हमारा काम अच्छे से नहीं कर रहा है, इस वजह से हम क्या किए कि प्योर से इम्प्योर बनाने का सोचे, और बनाने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोल रहे हैं, और जो इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाएंगे उसको क्या बोल रहे हैं डोपेंट्स, मतलब इम्प्यूरिटी सिंपल लैंग्वेज हो गया, इसको फिजिक्स के टर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं डोपेंट्स बोल रहे हैं, डोपेंट्स दो तरह का होगा, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट हम उसको कहेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन हो, ट्राइवेलेंट, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका एल्युमिनियम, और पेंटावेलेंट जिसके लास्ट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना एलिमेंट हो, कितना इलेक्ट्रॉन हो, पांच, मतलब कि फास्फोरस, ठीक है, इस दोनों को अब हम मिलाएंगे और हमारा प्योर बन जाएगा इम्प्योर, और उस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को, जैसे प्योर को हम लोग इंट्रिंसिक बोले हैं, उसी तरह जब हम प्योर से इम्प्योर बनाएंगे तो ये हमारा इंट्रिंसिक से हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर से जब इम्प्योर बनाएंगे तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसका फिजिक्स में नाम क्या हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है ये समझना है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग बनाएंगे तो कितने तरह का बनेगा, एक हम डोपेंट ले रहे हैं ट्राइवेलेंट, और एक ले रहे हैं पेंटावेलेंट, तो यहां पर जब हम लोग जैसे मान लीजिए कि क्रिस्टल ले रहे हैं सिलिकॉन का, तो ये सब सिलिकॉन एटम है, और ये सिलिकॉन एटम क्या कर रहा है, तो ये सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बना रहा है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें इंप्यूरिटी मिलाएंगे, ये अभी प्योर सेमीकंडक्टर है,
ये अभी प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या करेंगे हम इंप्योरिटी मिलाएंगे। तो इंप्योरिटी मिलाने से क्या होगा देखिए, अब ये प्योर सेमीकंडक्टर है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो डोपेंट्स यूज कर रहे हैं वो क्या है देखिए, इसमें हम डोपेंट यूज किए पेंटावेलेंट, इसमें हम डोपेंट कौन सा यूज कर रहे हैं पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट का एग्जांपल क्या है, फॉस्फोरस। इसमें से हम क्या करते हैं, एक इंप्यूरिटी मिला है पेंटावेलेंट फॉस्फोरस, तो ये सिलिकॉन जो है ये रिप्लेस हो गया किससे, फॉस्फोरस से, रिप्लेस हो गया किससे, फॉस्फोरस से, ठीक है, ये फॉस्फोरस से रिप्लेस हो गया। अब देखिए, अब फॉस्फोरस पेंटावेलेंट कहने का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 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 तो इस चारों के साथ, चार नियर बाई एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, टोटल कितना है 5, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देने के बाद इसके पास कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, फ्री है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि जो 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो काम लग गया कि भाई ये चक्कर लगा रहा है तो आप भी चक्कर लगाइए, तो चारों के लिए तो चार काम हो गया, लेकिन एक जो है वो एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास कोई काम नहीं है, तो इसकी एनर्जी यूज होगी किसमें, कंडक्शन में। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें फॉस्फोरस डालेंगे इंप्यूरिटी के तौर पर, फॉस्फोरस डालेंगे तो एक फॉस्फोरस एटम हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, देगा। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड किया तो अगर हम इन एटम मिलाएंगे तो हमको एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इन एटम में से कितनी इलेक्ट्रॉन मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंप्यूरिटी मिलाने से हम कर ये रहे हैं कि इसमें हम चार्ज कैरियर के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट मिला है तो क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब एक इलेक्ट्रॉन मिला तो यहां पर ये मेरे पास फ्री है, और जब ये फ्री है तो इसको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, ये किसी भी टेम्परेचर पर मूव करने लगेगा क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है, तो टेम्परेचर वाला लफड़ा जो था वो खत्म हो गया। अब ये फ्री है और फ्री टू मूव है, तो ये चार्ज कैरियर का काम करेगा। अब अगर हम इसमें एन एटम मिलाएंगे तो एनओ एटम से हमको क्या मिलेगा, एन इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसमें मेजोरिटी किसकी होती चली जाएगी, मेजोरिटी से पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता चला जा रहा है। तो बेसिकली ये पूरा कैसा होता चला जा रहा है, निगेटिव टाइप। क्यों निगेटिव टाइप होता चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसमें, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस, इसलिए निगेटिव टाइप। तो इसका नाम हम रख दिए निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर। तो निगेटिव को हम लोग हर जगह इतना निगेटिव निगेटिव नहीं बोलेंगे, पूरा मूड निगेटिव हो जाएगा, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम कैसे पड़ा ये समझ गए, इसमें मेजोरिटी किसकी है, इसमें मेजोरिटी किसकी है, तो मेजोरिटी है इसमें इलेक्ट्रॉन की। क्यों इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी है, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से मेजोरिटी है इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कौन है, तो माइनॉरिटी होगा इसमें होल। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना, तो उसमें डोपेंट हम कैसा मिलाएंगे, पेंटावेलेंट। निगेटिव टाइप क्यों बनेगा, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा, कैसे देगा, 5 में से 4 को काम में लगा दिया, एक को वैसे ही छोड़ दिया, उसमें से हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है, इसलिए मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल। अब आते हैं दूसरे पिक्चर में, ये हमारा हो गया, ठीक है, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा का नाम कैसे पड़ेगा, तो फिर से सब सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, सब सिलिकॉन क्रिस्टल है,
ठीक है, अब देखिए सब सिलिकॉन क्रिस्टल, इस वाले केस में डोपेंट हमको किसको मिलाना है? डोपेंट मिलाएंगे ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने? तीन। तो अब यहां से एक सिलिकॉन हटा देना, तो इस सिलिकॉन को रिप्लेस कौन कर रहा है? एल्युमिनियम, यहां एल्युमिनियम आ गया, ठीक है, ये डोपेंट है एल्युमिनियम, ये आ गया यहां पर। अब देखिए, अब जैसे ही ये यहां पर आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? थ्री। तो एक को यहां काम पर लगा दिया, एक को यहां काम पर लगा दिया, एक को यहां काम पर लगा दिया, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन था, तीनों के लिए इसने काम दे दिया कि चक्कर ये लगा रहा है, आप ही लोग का भी चक्कर लगाइए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए। अब ये जो सिलिकॉन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दिया इसको, तो जब ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन एटम जब इस एल्युमिनियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डिमांड करेगा कि आप एल्युमिनियम भी हमको एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो अब इसके पास क्या है, एल्युमिनियम के पास, कि अब तो मजबूरी है बेचारे के साथ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है ये सिलिकॉन एटम का, लेकिन इस सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरे पास तीन था और तीनों को हम यहां काम पर लगा दिया। अब हम इस वाले के साथ शेयरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो तो दे रहा है, हम नहीं दे रहे, तो ये क्या फिराक में लगा रहेगा? ये सोचेगा क्या कि कहीं पर से भी कोई इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको पकड़ कर हम क्या कर दें? चक्कर लगाने वाला काम कर दें। तो ये कहीं पर से भी इलेक्ट्रॉन मिले पकड़ कर चक्कर लगाना, ये टेंडेंसी किसकी है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये टेंडेंसी किसकी है? होल की। ये टेंडेंसी किसकी है? होल की। तो जैसे ही हम एल्युमिनियम एटम को मिलाएंगे, ये एल्युमिनियम एटम एलिमेंट को जब हम मिलाएंगे इसमें, उसके एटम को, तो एक एटम टेंडेंसी क्रिएट कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि वैकेंसी इसलिए क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्या करेगा? चलो भाई काम पे लग जाओ। तो इसके लिए क्या है? वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का नाम हम लोग क्या समझे? होल। तो यहां पर एक एल्युमिनियम एटम किस चीज को क्रिएट कर रहा है? पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक एल्युमिनियम एटम एक होल वाली टेंडेंसी को क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको सिंपल हम लोग क्या कहेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजोरिटी कौन है? तो इसमें मेजोरिटी है आपका होल, क्योंकि हर एक एटम से एक एटम एक होल दे रहा है, तो एन एटम कितना होल देगा? एन होल देगा, ठीक है, ये एन मेजोरिटी इसमें होल है। माइनॉरिटी इसमें कौन है? तो माइनॉरिटी इसमें होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टी है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो तरह का सेमीकंडक्टर किसके अंदर आता है? एक्सट्रिंसिक के अंदर। एक्सट्रिंसिक बनाने की जरूरत क्यों हुई? तो हम लोगों ने समझा कि इंट्रिंसिक उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिजल्ट को चेंज कर दे रहा है। तो वो प्योर से इम्प्योर बनाने के लिए जो प्रोसेस हमने यूज किया, उस प्रोसेस को डोपिंग बोल रहे हैं। प्योर से इम्प्योर बनाने के प्रोसेस को जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसको डोपेंट्स बोल रहे हैं। दो तरह का, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट एलिमेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट। जब हम लोग इम्प्योरिटी डालेंगे पेंटावेलेंट, तो जो सेमीकंडक्टर है वो बनेगा एन टाइप, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल। जब हम लोग ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो मिलेगा हमें होल, मिलेगा एक एटम एक होल देगा, इसलिए उसको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेजोरिटी है होल और माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर एक चीज और देखना है यहां पर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बात हम किए कि ये जो फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी लगभग होगा जीरो, होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये
एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को। तो आप देख सकते हैं ये 0.01 है, ये 0.05 है, तो ये बहुत मिनिमम एनर्जी है जो इसको कहीं से भी मिल जाएगी और फिर ये रिलीज हो जाएगा, इस एटम को छोड़ देगा। तो ये फ्री होने के लिए, इसको फ्री होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जर्मेनियम के लिए इतनी और सिलिकॉन के लिए इतनी। जैसे ही इतनी एनर्जी इसको मिलेगी ये फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो एक एटम आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता चला जाएगा, एन एटम एन इलेक्ट्रॉन देगा और फिर ये कंडक्टर का काम करना शुरू हो जाएगा। तो दो तरह का कंडक्टर है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।